इस तरह से फिंगर रखेंगे, पॉम रखेंगे ऐसे, और हम फ्रंट से मूव कर जाएंगे शोल्डर की तरफ। फ्लूट, अब ये हमारी गाइडलाइन छूट गई, छूट गई ना, दिख रहा और ये फिंगर हमारा टर्न हो गया। अभी हम ऐसे आ रहे थे, क्लियर है? दोबारा दिखाई जरा, ये हमारी गाइडलाइन है, ये फिंगर रखा ऐसे, ऐसे कॉम किया, इसे सीधे लेके आ रहा है, सीधे लेके आ रहा है। अब हमारी गाइडलाइन छूट रही है, ये छूटी गाइडलाइन। जब हमारी गाइडलाइन छूटेगी तब हम फिंगर को क्या करेंगे, टर्न कर देंगे, मूव करेंगे, ठीक, इस तरह से। जब मूव करेंगे तो फ्रंट साइड का हेयर लॉन्ग हो जाएगा और बैक साइड का हेयर शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई करके देखेगा? आइए करके दिखाइए, कॉम कीजिए। स्ट्रेट, सिर को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। हाँ, पूरे हेयर को लीजिए। हाँ, फिंगर सीधा, ओके, ठीक। हाँ, टर्न, हाँ, गाइडलाइन छूटी, अब टर्न। कोई और आएगा? यस मैम। आइए, डाउन नहीं करना है, डाउन नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट। आप बिल्कुल अपने चेस्ट के सामने सीधा सीधा रखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से। हाँ, सीधा, फिर डाउन कर रही हैं ऊपर की तरफ, ऊपर भी नहीं, एकदम सेंटर में सीधा बिल्कुल, ठीक है? टर्न कीजिए, टर्न, टर्न, नौ, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, ये यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे, ठीक है? टर्न, ये ऐसे और कोई हम लोगों को इसी पे करनी है, ठीक है? हाँ, टर्न करते जाइए, टर्न करते जाइए, टर्न करते जाइए। हाँ, गाइडलाइन छोटी, हाँ ये उसी में हाँ लीजिए, ये ऐसे सीधा लीजिए, सीधा 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 सीधा। किसी किसी का सिर्फ बैंग्स हेयर कट करना रहता है तो भी आप इसी टेक्निक से करेंगे, किसी का तो बैंग्स भी क्लियर करना है तो भी इसी टेक्निक से करेंगे, ठीक है? तो ये लिया ऐसे और ये टर्न कर दिया ऐसे, ठीक है? ये फिंगर में होल्ड किया और इस तरह से करके, और शोल्डर से बैक साइड थोड़े खड़े होंगे और यहाँ पे कट करेंगे आप, ठीक है? ऐसे ऐसे कट कर दिया, ठीक है? अब जितना ज़्यादा इस पर लेयर्स चाहिए ना, उसके लिए हम उतना है अभी यहाँ पे कट किया, थोड़ा सा और पीछे जाके कट कर रहे। जब हम पीछे जाएंगे तो हमारे ऊपर साइड के हेयर है जो शॉर्ट कटेंगे, तो जितना हमको लेयर्स चाहिए इसमें उतना हम पीछे मूव करते जाएंगे और इसी तरह से फिंगर को टर्न करके कट करते चले जाएंगे, ठीक। तो अभी जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए आगे लेयर्स, ठीक, शॉर्ट और इधर लॉन्ग, राइट साइड कर दिया, सेम वही प्रोसेस हम सेकेंड साइड भी, लेफ्ट साइड भी यूज करेंगे। यहाँ पे कॉम कर लेंगे, कॉम करने के बाद से फिर यहाँ से चुप रही यूं टर्न किया और ये कट किया। सेम ही आपको करना है दोनों साइड से लेयर, और उसके बाद से ये आप ओपन करके देखेंगे तो पूरा लेयर्स आ चुका है, ठीक। आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया ना? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ओके।
अब कट करने के बाद से थोड़ा सा इसको दोबारा ले चेक कर लेंगे, दोबारा लेके जाएंगे 90 पे। अब यहाँ पे होल्ड कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, टेक्सचराइजिंग करेंगे ऐसे, ताकि सारा एक साथ मर्ज हो जाए और पतली पतली लेयर्स दिखाई दे और ऐसा ना लगे कि तुरंत का कट हुआ है। जैसे कटिंग जब करते हैं तो कटिंग करने के बाद कटिंग हमारी कितने दिन बाद सेट होती है, कितना टाइम लगता है? एक महीना। किसी को पता है? कितने दिन में हमारी कटिंग सेट होती है? एक महीना में। हाँ, 45 दिन लगते हैं हमारी कटिंग सेट होने में, ताकि नेचुरल दिखता है कटिंग हमारी। तो जब हम टेक्सचराइजिंग कर देते हैं तो तुरंत से हमारा हेयर कट नेचुरल दिखने लगता है, वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी कटिंग करें उसमें टेक्सचराइजिंग जरूर करें, थोड़ा सा उसमें जरा जरा सा पॉइंट कट होता है, लेकिन फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है और कटिंग आपका तुरंत का तुरंत सेट हो जाता है। क्लियर? यस मैम। ये जॉ लाइन तक बैंक्स हो गया। अब इसके बाद से हमें लेयरिंग करनी है। ठीक है, तो इसको जो है लेयरिंग के लिए यहाँ से हमारा सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन डिवाइड हुआ है वैक्स का, उसके साइड से लेयर लेना है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये लेयर है, यहाँ से लेना है, ये पार्टीशन हो चुका है और दूसरा यहाँ से ले लेना है ऐसे, इसके नीचे तक ये हेयर लेने हैं, फिर ये ले हेयर लेने हैं। ये दोनों साइड से अच्छी तरह से काम कर लिए मैम। गाइडलाइन बनाने के लिए, हाँ गाइडलाइन हमारी बन चुकी है, गाइडलाइन हमारा बन गया है जो हमारा यहाँ तक आया जो लाइन तक। अब लेयर्स करेंगे तो लेयर्स उसके नीचे जाएगा ना। ठीक है, गाइडलाइन वही थी। ठीक है, तो बैग्स हमारा यहाँ आ रहा है और लेयर्स हमारा इसके नीचे से जाएगा यहाँ से। ठीक, चेन के नीचे। अब यहाँ पे फिंगर में लिया और स्ट्रेट बिल्कुल कट कर दिया, बिल्कुल सामने, ये चीज बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, और ये कट कर लिया। अब लेयरिंग बैंग्स के साथ करें या सिंपल लेयरिंग करें, जैसे भी लेयरिंग करेंगे कटिंग करने का टेक्निक वही रहेगा। यहाँ से लेयर लिया, फिर यहाँ से लेयर लिया और कॉम करके आगे की तरफ लेके गए, गाइडलाइन जहाँ छूटेगी बस वही कट कर देना। पूरा सेक्शन हमें लेना है और जितना पतला पतला सेक्शन लेंगे उतना ही अच्छी कटिंग होगा, एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगा हेयर कट में। एक ही बार ढेर सारा हेयर नहीं लेना है, पतला पतला लेना है। और ये हम लोग की लेयरिंग बहुत सारे तरीके से होती है, फ्रंट की लेयरिंग बहुत सारे तरीके से करते हैं, लेकिन ये जो कटिंग बता रहे हैं लेयरिंग, वो एकदम बेसिक है और एकदम ईजी है। ठीक है, आप चाहे जैसे भी करेंगे, बस आपको यहाँ पे सेक्शन बराबर लेना है और ये कॉम आपको बराबर करना है। यहाँ से आप फोकस कीजिए, आप लोग देख लीजिए, ये जब लेयर ले रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए, ये लाइन क्लियर होनी चाहिए ऐसे, और ये कॉम हमारा ऐसे जाना चाहिए ऐसे, मतलब हाँ जो डायरेक्शन जहाँ है, ये नीचे आपका, ये ऐसे सिर गोल में है, ये नीचे का हिस्सा है, नीचे का पोर्शन, तो ये नीचे वाला पोर्शन का जो हेयर है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, फिर जैसे जहाँ का है वैसे रहेगा, मिडिल का या फिर टॉप एरिया का हेयर ऐसे आएगा। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप लोगों को इधर भी करना है, ऐसे ऐसे लिया, कॉम किया ऐसे, पीछे आप बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे ऐसे, फिंगर में होल्ड किए, लेके आ रहे हैं आगे तक, बढ़ते आएंगे और कट कहाँ करेंगे, अब ये गाइडलाइन छूट रही है, ये गाइडलाइन छूट रही है। ठीक है, अब गाइडलाइन छूट गई, फिर यहाँ पे कट कर लेंगे। मैम लेयर कटिंग किसी भी तरीके से करें पर लुक वही आएगा, सबका डिफरेंट आएगा। तो दो सेक्शन कट हो गए, अब हमें तीसरा सेक्शन लेना है, तो किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है? यस मैम। डिवाइड करके दिखाइए जरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए।
डाउन नहीं, स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट बिल्कुल सामने, थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ अच्छे से कॉम कीजिए सारे हेयर को, सारे हेयर को पूरा पूरा लीजिए, थोड़ा पीछे से वीडियो लीजिए कि आप हंस रहे हैं, थोड़ा सा डाउन नहीं, ठीक है, हाँ क्लियर, एक सेकेंड, ये ऐसे पूरा स्ट्रेट एकदम बिल्कुल सीध में, ठीक है, यस लीजिए, अभी सारे हेयर आ चुके हैं, ऐसे कॉम कर लिया, पूरा होल्ड किया और ये कट किया, अब ये पूरा सेक्शन कट रहा है, सारे हेयर को एक साथ ले लिया, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये फ्रंट हेयर कट की क्लास, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का वेट करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, नमस्कार एंड बाय बाय, वीडियो को एंजॉय कीजिए।